अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट पार्ट पर काम करेंगे, लेकिन रजिस्टर में देखिए हमारे पास सिर्फ नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, तो इसके साथ में और भी फील्ड्स हमको चाहिए। तो पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है और भी स्टेट को क्रिएट करना है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से उसका जो एड्रेस है उसको भी गेट कर लेंगे, सो एड्रेस, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे सेट एड्रेस, उसके बाद में सिटी नेम, तो डायरेक्ट भी आप सिटी लिख सकते हैं, जैसे कि सिटी सेट सिटी, और फिर कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं, सो कॉन्टैक्ट, और उसके बाद में फिर इसको चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेट कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद में ये जो फंक्शन है उसके अंदर भी कंडीशन को बढ़ा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और की कंडीशन लिख लेंगे, जैसे कि नॉट एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं मिलता है तब भी यहीं से रिटर्न कर दो, और इसमें जो अलर्ट मैसेज का टेक्स्ट है ना उसको भी हम चेंज कर देंगे, पहले शुरू और की कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, और सिटी भी चेक कर लेंगे सिटी, तो एक और की कंडीशन, उसके बाद में फिर कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको चेंज कर लेंगे, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख लेंगे प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड, सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे एक बार। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। अब इसके साथ में हमको इनपुट भी क्रिएट करना है, तो इस इनपुट बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट सेकेंड वाला रहेगा इंटर योर एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू को भी आपको चेंज करना है, इसको आप कर देंगे एड्रेस, उसके बाद में सेट ईमेल के बदले इसको कर देंगे सेट एड्रेस, और यहाँ पर ऑटो कंप्लीट में हम कर देंगे एड्रेस डैश लाइन वन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए एक और फील्ड हमारी यहाँ पर ऐड हो गई, इसी को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद में हमको चाहिए सिटी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिटी, और फिर वैल्यू में भी आपको सिटी को ऐड कर देना है, और सेट वैल्यू के अंदर भी सेट सिटी कर देंगे, और फिर जो ऑटो कंप्लीट है ना उसके अंदर हम कंट्री कर देंगे इसको, तो कंट्री सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। एक और हमको चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए, सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कर देंगे योर कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर वैल्यू में भी कॉन्टैक्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट, फिर सेट वैल्यू में भी सेट कॉन्टैक्ट, और फिर इसके अंदर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नेम भी रख सकते हैं या फिर टेल करके आता आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक बार सेव, और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बराबर से वैल्यू टाइप हो रही है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमारा रजिस्टर पेज जो है कम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें हम गेट करने वाले हैं, और ये जो प्रोफाइल पिक्चर है इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको इसको अपडेट भी करना है। इनिशियल टाइम पे हम कोई भी एक यूजर की जो है प्रोफाइल पिक्चर दे देंगे, फिर उसके बाद में इसको चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा रजिस्टर फिक्स हो चुका है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले शुरू में लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, रैंडम वैल्यू से हम क्या करेंगे यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे, सो यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ऐड कर देता हूँ, लॉग इन, लॉग इन सक्सेसफुल। अब हम इस अकाउंट पर काम करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो अभी अलर्ट मैसेज है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे फुटर में से, और एक पेज भी हमको चाहिए, पहले शुरू फुटर में से इसको चेंज कर लेंगे, सो अकाउंट पेज ये रहा देखिए टचेबल ओपेसिटी, और इसमें राउट का नेम है अकाउंट, लेकिन ऑन प्रेस पे क्या आ रहा है ये अलर्ट कर रहा है, तो उसके बदले हम क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे, फिर नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हमारे पास है नेविगेट, नेविगेट में हम क्या करेंगे इसको अकाउंट पे रिडायरेक्ट करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो एरर शो करेगा, देख सकते हैं आप द एक्शन नेविगेट विथ पेलोड, कुछ इस तरीके से एरर हमको मिलेगा। हम क्या करेंगे स्क्रीन के अंदर जो है ना एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, सो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ अकाउंट के नाम से अकाउंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक न्यू फाइल बनाएंगे अकाउंट डॉट जे एस के नाम से, और इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे आर एन एफ टी, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, सेव कर लेते हैं इसको। ऐप डॉट जे एस में इसका एक राउट बना लेंगे, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस पेमेंट वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट, फिर कंपोनेंट का नाम भी आपको ऐड करना है, हमारे केस में अकाउंट, देखिए सजेशन शो करेंगे फ्रॉम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करिए तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जो है इम्पोर्ट हो जाएगा, आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैन्युअली आप कुछ इस तरीके से उसको इम्पोर्ट करिए, सेव कर लेते हैं इसको। अब अकाउंट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अकाउंट स्क्रीन पर हम रिडायरेक्ट हो गए। अब अकाउंट में हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है इस व्यू को जो है ना लेआउट से रैप कर लेंगे, सो आप लिखेंगे लेआउट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए फुटर हमको यहाँ पर मिल रहा है बराबर से, इसके अंदर हम क्या करेंगे एक व्यू ले लेंगे, सो व्यू, और इस टेक्स्ट को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो बेसिक हमारा यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। अब इस अकाउंट के ऊपर हमको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए यूजर का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं डमी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, सो डेटा के अंदर आप क्या करें एक न्यू फाइल बना दे, इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर डेटा डॉट जेएस, इसमें हम क्या करेंगे टेम्पररी जो है ना डेटा बना लेंगे यूजर का, जैसे कि इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले शुरू एक्सपोर्ट कर देता हूँ उसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
यूजर डेटा इक्वल टू एरे, या फिर आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं डायरेक्टली। सो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक ही यूजर है तो एरे बनाने का मतलब नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी की फील्ड दे देंगे, सो अंडरस्कोर आईडी, फिर उसके बाद में नेम, नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरा नाम यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका ईमेल ऐड कर देंगे, जैसे कि t@t.com। उसके बाद में पासवर्ड ऐड कर देंगे, अभी फिलहाल विजिबल रहेगा क्योंकि डमी डेटा है, बाद में हम इसको जो है हैश भी कराने वाले हैं। फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर मैंने डमी का पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है एड्रेस, एड्रेस में हम क्या करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, समवेयर ऑन अर्थ, फिर आप सिटी भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा सिटी, इसको कर देंगे मुंबई। और उसके बाद में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में कुछ भी डमी डेटा ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सेव कर लेते हैं इसको। और इसमें इमेज भी चाहिए ना, तो टेम्पररी एक इमेज मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में से कॉपी कर लेता हूँ। सो हम क्या करेंगे, गूगल पे से एक इमेज को जो है उठा लेंगे फिलहाल के लिए। सो इमेजेस, और यहाँ पे मैं यूजर करके सर्च कर लेता हूँ, यूजर, और यहाँ से देखिए ये वाला ठीक लग रहा है, सो इसको ओपन कर लेते पहले, और यहाँ से इसका इमेज लिंक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया इसको हमने, चलते वापस वीएस कोड में, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पिक, और स्ट्रिंग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा यूजर डेटा। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूजर को डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है, चलते वापस अकाउंट पेज में, और पहले शुरू तो यूजर की इमेज है, सो इमेज को आपको जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इमेज, इमेज को इम्पोर्ट कर दिया। इस व्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हमारे पास रहता है सोर्स, सोर्स के अंदर आपको लिखना है डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में URI, URI में हमारे पास देखिए यूजर डेटा है, सो उसको हम क्या करेंगे गेट करेंगे, आपको सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली जो है ये इम्पोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं हो रहा है तो मैनुअली आप कुछ इस तरीके से यूजर डेटा को इम्पोर्ट करिए। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास रहेगा प्रोफाइल पिक, सेव कर लेते हैं इसको। अभी कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमको इमेज के लिए जो हाइट और विड्थ भी चाहिए, तो स्टाइल शीट भी मैं साथ ही में इंपोर्ट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, स्टाइल भी करते रहेंगे साथ में, तो नीचे आप क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू, फिर स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हमारे पास होता है क्रिएट फंक्शन, क्रिएट फंक्शन के अंदर पहले शुरू में कंटेनर बना लेता हूँ, कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे मार्जिन दे देंगे फिलहाल के लिए, मार्जिन वर्टिकल, सो 20 इनफ रहेगा। चेक कर लेते हैं इसको अप्लाई करके, इस व्यू के अंदर आप क्या करें स्टाइल को अप्लाई कर लें, स्टाइल के अंदर आपको लिखना है स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो थोड़ा सा स्पेसिंग हमको मिल गया। उसके बाद में इमेज के लिए बनाना है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ इमेज। इमेज के बाद में आप क्या करेंगे, इसकी हाइट ऐड कर देंगे, हाइट में कर देता हूँ 100 इनफ रहेगा आई थिंक, और इसकी जो विड्थ है ना इसको हम 100% करके देख लेते हैं, 100% ये है पर्सन, सेव करके एक बार देख लेते हैं। इमेज पे मैं अप्लाई कर देता हूँ सोर्स के बाद में स्टाइल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट इमेज, सेव कर लेते हैं। तो देखिए इमेज काफी बड़ी आ रही है, तो इसको जो है ना हम रिसाइज कर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसाइज मोड, इसको कर देंगे कंटेन, यहाँ से मैंने इसको कंटेन कर लिया, तो देखिए बराबर से ये अलाइन भी हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास बाकी की डिटेल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स को जो है ना एक व्यू के अंदर रैप कर सकते हैं। सो एक और व्यू, मैं नेस्टेड व्यू यहाँ पर ले रहा हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। सो टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ग्रीटिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाय, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा, फिर उसके अंदर उसका जो भी नेम है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि देखिए हाय टेक इन्फो YT। आइकन भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज की और डॉट को प्रेस करिए, कुछ इस तरीके से आइकन्स ओपन होते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई आइकन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, हाय के लिए आई थिंक हैंड का सिंबल होता है, देखिए ये रहा, इसका हम यूज कर लेंगे, सेव करके देख लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसको हमको फिक्स करना है, जैसे कि इस व्यू को क्या करता हूँ मैं इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, क्योंकि हमको कंटेंट को जो है ना सेंटर में भी अलाइन करना है, तो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कंटेंट को सेंटर में, और अलाइन आइटम्स भी कर देंगे हम यहाँ पर सेंटर में, सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए परफेक्टली सब कुछ सेंटर में हो चुका है। और इस नेम को भी आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ उसको स्टाइल, फिर स्टाइल्स का यूज करेंगे, डॉट नेम कर लेता हूँ, और इस नेम को हमको फिर टारगेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 10, सेव, तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर पूरे का चेंज नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं देखिए आई के बाद में जो है ना ये जो यूजर नेम है इसको एक और टेक्स्ट के अंदर मैं रैप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करें इसको एक टेक्स्ट के अंदर रैप कर लें, ये रहा टेक्स्ट,
और इसको इसके अंदर में ऐड कर देता हूँ सेव। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और स्टाइल बना लेता हूँ, स्टाइल या फिर इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है, इनलाइन स्टाइल। और इसमें सिर्फ कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और ये ग्रीन है। सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, और स्पेस नहीं आ रहा ना इसके बीच में, तो स्पेस थोड़ा सा ऐड कर देंगे अब, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट साइज ऑफ 20, तो ये कुछ इस तरीके से 20 पर शो करेगा। उसके बाद में एक और टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ईमेल, कोलन लगा के जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूजर डेटा डॉट ईमेल, सेव कर लेते हैं, तो ईमेल यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमारे पास है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे यूजर डेटा डॉट कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, तो देखिए नंबर भी बराबर से शो करेगा। इतनी डिटेल्स काफ़ी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग दे देंगे जहाँ से यूज़र अपना आईडी मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स मैनेज कर सकता है, और नोटिफिकेशन भी यहाँ से चेक कर सकता है। और भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक और व्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। सो इस व्यू के बाद में एक और व्यू हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम जो है बटन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो एक टेक्स्ट मैं ऐड कर देता हूँ पहले शुरू टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकाउंट सेटिंग, सेव कर लेते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसको स्टाइल भी कर लेंगे हम, इसमें हम बटन कंटेनर बना लेंगे पहले शुरू, बटन कंटेनर, और इसको अप्लाई भी कर देता हूँ मैं। ये जो सेकंड व्यू अभी हमने बनाया है ना, इसमें इसको जो है बटन कंटेनर की क्लास दे देंगे, फिर स्टाइल, फिर स्टाइल को टारगेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन कंटेनर। और बटन कंटेनर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे पहले शुरू। सो पैडिंग, पैडिंग ऑफ 10, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक ठाक लग रहा है। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं इसमें, इसको कर लेंगे व्हाइट, एश एफ 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 एफ, सही व्हाइट कलर में हो गया। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मार्जिन ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ 10, और थोड़ा टॉप से और दे सकते हैं इसमें मार्जिन। सो मार्जिन वर्टिकल, इसको कर देता हूँ ऑल 10, तो थोड़ा सा और इसमें हमको स्पेस देखने मिल जाएगा, या फिर 10 तो ऑलरेडी है ना, इसको कर लेते हैं 20। और इसमें थोड़ा सा जो है ना एलिवेशन ऐड कर देंगे, एलिवेशन का मतलब क्या है कि बॉक्स इफेक्ट हमको इसमें देखने मिलेगा, एलिवेशन ऑफ 5, तो देखिए यहाँ पर शेडो इफेक्ट हमको देखने मिल जाएगा। बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ, वरना ये काफी शार्प हो रहा है ना, तो इसको 10 कर देता हूँ, थोड़ा सा राउंडेड हमको देखने मिलेगा। और पैडिंग नीचे से भी मैं ऐड कर देता हूँ, पैडिंग बॉटम, बॉटम ऑफ 30, तो थोड़ा सा और स्पेस हमको इसमें देखने मिल जाएगा। इसके अंदर एक टेक्स्ट भी है, तो इसको भी एक स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल, और फिर हम क्या करेंगे, स्टाइल्स का यूज करेंगे, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेडिंग। तो इस हेडिंग को आप कॉपी करें, नीचे आएंगे स्टाइल में, और फिर इसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे हेडिंग। इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो इसका फॉन्ट साइज मैं टारगेट कर लेता हूँ पहले, काफी छोटा दिख रहा है, फॉन्ट साइज ऑफ 20, तो अब ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद में जो फॉन्ट वेट है, सो फॉन्ट वेट, इसको हम कर देंगे बोल्ड, तो ये काफी बोल्ड हमको नजर आएगा। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं हम इसमें, पैडिंग बॉटम भी ऐड कर सकते हैं, सो पैडिंग बॉटम ऑफ 10, थोड़ा सा और स्पेस नीचे हमको देखने मिल जाएगा। टेक्स्ट को अलाइन कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और इसमें बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ मैं, लेकिन बॉटम से, बॉर्डर बॉटम विड्थ, इसको कर देता हूँ 1, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और इसका कलर चेंज कर लेंगे, सो बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर चेंज कर देंगे हम, इसको कर देता हूँ मैं लाइट ग्रे कलर, सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए काफी लाइट सा इफेक्ट हमको इसमें नजर आ रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है बटन ऐड कर देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेसेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें भी टचेबल ओपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टचेबल ओपेसिटी, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करिए फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इसके अंदर भी आपको टेक्स्ट को पास कराना पड़ता है। और इसमें हम आइकन का भी यूज कर लेंगे, सो फुटर में से जो है ना आइकन को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, जैसे कि एंड डिजाइन है ना, इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आना है अकाउंट में, इसमें इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को रिमूव कर सकते हैं, स्टाइल की जरूरत नहीं अभी फिलहाल के लिए, सेव कर लेंगे इसको। और ये एरर शो करेगा अगर आप यहाँ पर आइकन पे आके कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा फाइल के आइकन के साथ में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे टॉप पे, देखिए ये कुछ इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा, तो इसमें से आप क्या करें, कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर ले, तो ये परफेक्टली काम करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर बैक फेंक दिया, सो इसको वापस से लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन, फिर उसके बाद में चलते वापस अकाउंट में, तो देखिए यहाँ पर आइकन बराबर से शो कर रहा है। स्टाइल करेंगे इसको तो और ज्यादा ठीक ठाक दिखाई देगा। अभी अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्रेसेबल है, और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। सो
आइकन को मैं आउट ऑफ द बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट के अंदर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एडिट प्रोफाइल, और आइकन को भी चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ एडिट। सो एडिट में कुछ पेन का सिंबल हमको इस तरीके से मिलेगा, और इस बटन को भी थोड़ा सा और क्लासेस हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि इनसाइड क्या हो रहा है, हमारे पास एक टेक्स्ट है और एक आइकॉन है। तो बटन कंटेनर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। बटन कंटेनर तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, सो इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा हमको। का नाम मैं रखता हूँ बटन, सिंपली मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ बटन। बटन में हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर लेंगे पहले शुरू, इसको कर लेंगे रो। सेव करके मैं अप्लाई भी कर देता हूँ साथ ही में, ताकि हमको इफेक्ट नजर आए। तो इस टचेबल ओपेसिटी के स्टाइल पे हम क्या करेंगे, स्टाइल्स की मदद से बीटीएन को अप्लाई कर देंगे। सो बीटीएन सेव करेंगे तो देखिए बराबर से आ रहा है, और जो कॉन्टेंट है ना उसको जस्टिफाई भी कर देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर जस्टिफाई, इसको अलाइन कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे आप लिखें अलाइन आइटम्स, इसको सेंटर में कर देंगे तो ये बराबर से अलाइन हो जाएगा। और मार्जिन भी दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, मार्जिन वर्टिकल ऑफ 10, और थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग ऑफ 5। सेव कर लेते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको भी टारगेट कर लेते हैं। तो बीटीएन टेक्स्ट, बीटीएन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज इसको कर देता हूँ मैं 15, ठीक रहेगा। और मार्जिन राइट कर लेता हूँ मैं इसको, सो मार्जिन राइट इसको कर देंगे 10 पिक्सल। सेव करके एक बार देख लेंगे, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप क्या करें, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम आइकन के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। दोनों पे अप्लाई करके एक बार देख लेंगे स्टाइल, फिर स्टाइल्स की मदद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे बटन टेक्स्ट को। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमको मिल गया, इसी को आप जो है नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट करिए, तो देखिए कुछ ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, स्टिल ये प्रेसेबल है, देख सकते हैं आप इसको जो है प्रेस कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसी को जो है कॉपी पेस्ट करना है मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3। एडिट प्रोफाइल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर माई ऑर्डर्स कर देता हूँ मैं इसको, माई ऑर्डर सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर माई ऑर्डर्स है, और इसमें हम क्या करेंगे लिस्ट शो करा देंगे। सो आइकन का जो नेम है ना उसको आप चेंज कर दें, इसको हमने कर दिया लिस्ट, ये है लिस्ट, और लिस्ट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार आइकन चेक कर लेता हूँ, हम क्या करेंगे रिएक्ट वेक्टर आइकन को सर्च कर लेंगे। रिएक्ट वेक्टर आइकॉन फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ से हम क्या करेंगे लिस्ट करके सर्च कर लेंगे लिस्ट। अच्छा लिस्ट जो है एंड डिजाइन में नहीं है, इसके बदले हमारे पास कुछ और था क्या, एक बार देख लेते हैं कुछ लिस्ट से सिमिलर हमको मिलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर बार्स है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ पर मैं बार्स को ऐड कर देता हूँ सेव। तो देखिए यहाँ पर माई ऑर्डर्स पे बार्स का आइकन आ रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे नोटिफिकेशन, सो नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हम यूज कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे बेल्स। तो देखिए नोटिफिकेशन के लिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इनकेस अगर यूजर एडमिन है ना, सो हम एडमिन पैनल भी इसको शो करा सकते हैं, जैसे कि एडमिन पैनल। और इसके लिए आइकन हम एक बार देख लेंगे, कोई एक हम यहाँ से अच्छा सा आइकन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे आइकन हैं, आपको अगर कुछ लगता है तो आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ भी ठीक ठाक लग रहा है, एक बार अप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पे मैं बेल्स के बदले विंडोज़ कर देता हूँ। तो देखिए एडमिन पैनल पे ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब इस क्लिकेबल पे आप जो है कोई भी फंक्शन को असाइन कर सकते हैं, मोस्टली तो हम यहाँ पर नेविगेशन का फंक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल पर काम करेंगे।